हेलो, कैसे हैं बच्चे? आप सभी सब बढ़िया होंगे आई होप, और आप इंजॉय कर रहे होंगे, और हमारे इस चैनल पे जो भी लेक्चर्स आ रहे होंगे उसे आप देख भी रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, वेलकम है आपका आपका इस प्यारा सा चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन किसके बाद होता है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हमने पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको एक एक चीज क्लियर किया था कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे सेड होता है, स्टिग्मा कैसे वहाँ राइट टाइप के पोलन ग्रेन को सिलेक्ट करता है, फिर कैसे उसको जितने भी रिक्वेस्ट साइट है जर्मिनेशन के लिए उसे प्रोवाइड करता है, एंड देन वो कैसे जर्मिनेट होके ओव्यूल के पास पहुंचता है। तो बस उसी को शॉर्ट में हम इंट्रोड्यूस करते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, हम डबल फर्टिलाइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो देखने के बाद आप लाइक कीजिए। अगर आपके काम का वीडियो है तो लाइक कीजिए, उसके लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं है। और रही बात की बाकी वीडियो की, तो प्लेलिस्ट में पहले ही मैंने सभी वीडियो डाल दिए हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन देखना ना भूलें। और अगर आपको ये डायरेक्टली वीडियो समझ में आ रहा है तो भी आप बाकी के वीडियो भी जरूर देख लें। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन आपको बता दूं, नॉस्चिन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस के बारे में सबसे पहले बताया, और जो प्लांट था लिलियसी का, लिलियम था, फ्लेटेरियम था, इन सब प्लांट्स में इस टाइप का प्रोसेस उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। अब हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी है कि चलो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, लेकिन एक नया कंसेप्ट आ गया, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। यानी कि आप बोल सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन इज द की फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, ना जिम्नोस्पर्म में, ना ट्रेडोफाइट्स में, ना ब्रायोफाइट्स में, ना अलगी किसी भी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में आता है। तो चलो बच्चों, आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में, पहले बताएंगे हम, तो पहले बताएंगे हम फर्टिलाइजेशन के बारे में, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है कि हम बोल देते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, लेकिन कौन सा टू गैमेट्स? तो हम यहां पे बताएंगे फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल या इंटर स्पेसिफिक गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमेट्स और इंटर स्पेसिफिक गैमेट्स। आप इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए आप एक ही टर्म को किस तरह से डिवाइड कर, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू कॉम्पैटिबल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और तीसरा फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जायगोट क्या रहेगा, डिप्लॉय, जायगोट क्या रहेगा, डिप्लॉय, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से क्या बता सकते हो कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझा सकते हो। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसका डेफिनेशन तो मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आपको समझना चाहिए, तभी आपको डबल फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। तो लास्ट जैसे हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि आफ्टर सेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा दे जर्मिनेट्स एंड दे आर रिचेस, कहां पे पहुंच जाता है ये, तो ये पहुंच जाता है किसके पास, ओव्यूल के पास, ठीक है। बस इसी प्रोसेस को हमें आगे लेके जाना है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, यहां पे क्या है आपका, ओव्यूल है, ठीक है, यहां पे ओव्यूल है, ये स्टिग्मा स्टाइल है, ये ओवरी है। तो यहां पे जब आपका पोलन ट्यूब ग्रो होते रहता है तो दे कैरी टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, इसमें क्या होते हैं, टू मेल गैमेट्स होते हैं, किसमें, पोलन ट्यूब में, ठीक
ये जो ग्रीन कलर से बना है मैंने, ये पोलन ट्यूब है, उसमें रेड कलर का मैंने जो बताया वो क्या है, मेल गैमिट्स है। ये मेल गैमिट्स खुद मूव नहीं कर सकते, जैसे हम ह्यूमन बींग में स्पर्म होता है उसमें मूव करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन इनके मेल गैमिट्स में मूव करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो कोई तो लेके जा रहा है ना, और वो कौन लेके जा रहा है, तो वो लेके जा रहा है कौन, पोलन ट्यूब लेके जा रहा है। तो आफ्टर सेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा दे जर्मिनेट्स एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। Pollen tube growing towards the ovule and they are carrying two non-motile male gametes. The process is called siphonogamy. इस प्रोसेस को क्या बोलाता है? Siphonogamy. One mark के लिए पूछा जाता है. Siphonogamy. The process in which pollen tube carry two non-motile male gametes is called siphonogamy. चलिए, तो pollen tube grow हो रहा है, इतना आपको समझ में आ गया? Then जब pollen tube यहाँ पहुँच जाएगा तो ovule में enter करने की कोशिश करेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या स्टेज आएगा आपका, यहाँ पे स्टेप आएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल में अब इंटर करेगा, ओव्यूल में इंटर करेगा, कैसे करेगा? तो जनरली क्या होता है, दे आर एंटरिंग थ्रू माइक्रोपाइल। अब आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये है एम्ब्रायो सैक, ये लास्ट टाइम आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, यहाँ पे ये एक सेल है, ये टू सिनर्जिड सेल्स है, यहाँ पे थ्री एंटीपोडल सेल्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है न्यूसेलस में, इसके ऊपर में एक लेयर इंटेग्यूमेंट का और ये दूसरा लेयर, इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इफ जनरली पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब इंटरिंग थ्रू माइक्रोपिलर एंड। अब इस ये डायग्राम अगर आपको नहीं याद है, ये आप डायग्राम ये पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, एनाट्रोपस ऑफ इनका जो स्ट्रक्चर है डायग्राम है, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, माइक्रोपिलर एंड से हो रहा है, क्योंकि वहां पे पोर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोरोगैमी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोरोगैमी, ठीक है। आपको बुक में तीन डायग्राम में, एक ही डायग्राम में दिखा देता हूं। इफ दे आर इंटरिंग थ्रू चलाजल एंड से इंटर होगा, मतलब इधर नहीं आ जाएगा, ये घूम के इधर ही आएगा, फाइनली ये यहीं पे आने वाला है, ठीक है, फाइनली ये यहीं पे ऐसे आने वाला है। तो इफ दे आर इंटरिंग, कहां से इंटर कर रहा है, चलाजल एंड से जाएगा तो यहीं पे एक के पास ही, लेकिन एंट्री कहां से कर रहा है, चलाजल एंड से, देन दे आर कॉल्ड चलाजो गैमी, देन दे आर कॉल चलाजोगैमी, क्या बोला जाता है इसे, चलाजोगैमी बोला जाता है। बट समटाइम्स दे आर इंटरिंग बाय पियर्सिंग, किसको, इस देखो इंटेगुमेंट को पोर करते हुए अंदर जा रहा है, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फिर ऐसे घूम के फिर से यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर चलाजल एंड से हो रहा है तो चलाजोगैमी, माइक्रोपिलर एंड से हो रहा है तो पोरोगैमी, लेकिन अगर बीच से हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, मीजोगैमी। तो सिंपल शब्दों में बता देता हूं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ए ओव्यूल थ्रू माइक्रोपिलर एंड पोरोगैमी, थ्रू चलाजल एंड चलाजोगैमी, थ्रू इंटेगुमेंट पिंजोगैमी। तो इस तरह से क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है आपका, पोलन ट्यूब जो है कहां, एम्ब्रायो सैक में इस एंड पे पहुंचता है, तीन अलग अलग एंट्री से, है ना। हो सकते हैं ना आप जिस स्कूल में जाते हो एंट्री के अलग हो, लेकिन क्लास तो एक ही है ना, एक ही क्लास में इंटर करते हो आप सभी, जो अभी आपका क्लास है 9th या 10th या 11th या 12th, तो वैसे यहाँ पे एंट्री भले ही वो चलाजलेंड से करे या फिर इंटेगुमेंट से करे या माइक्रोपिलर, जाना उसको एम्ब्रायो सैक में के पास कहां पे जाना पड़ेगा, जहां पे एग है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब एंट्री हो चुकी है, एंट्री होने के बाद अभी आपको ये डायग्राम बहुत ही नीट से अच्छे से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये हो गया एम्ब्रायो सैक एंड दे आर लोकेटेड इनसाइड ऑफ न्यूसेलस एंड न्यूसेलस इज कवर्ड विद टू लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट, दो लेयर इंटेगुमेंट से क्या है, कवर्ड। इस एम्ब्रायो सैक में क्या क्या प्रेजेंट है, तो इस एम्ब्रायो सैक में ये है एग सेल, ठीक है, और उसके बाजू में जो दो सेल है वो है सिनर्जिड सेल्स, और यहां पे तीन जो है वो क्या है, एंटीपोडल सेल, और ये सेंटर में दो पोलर
न्यूक्लियस जो कि प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज हो जाता है। तो यहां पे क्या होने वाला है कि अब पोलन ट्यूब जो है यहां से क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो अभी आज तक आपने एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहां देखा था, ओव्यूल। अब आप देखोगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रायो सैक, ये स्ट्रक्चर क्या है पूरा एम्ब्रायो सैक, एनाट्रोपस ओव्यूल डायग्राम आपको पता होना चाहिए। एंड दे आर कैरिंग टू मेल गैमेट्स, और उसी प्रोसेस को हम साइफोनोगैमी बोलते हैं, ये भी हमको क्लियर कर दिया आपको। After they reaching the end of embryo, embryo sac, embryonal end या micropillar end, they entering one of two synergid cells। यहाँ पे देखो दो synergid cell दिख रहा है, एक इधर है और एक इधर है, दो synergid cells है, इसमें या इसमें किसी में ये क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। एंड filiform apparatus of synergid cell, synergid cell का filiform apparatus कैसे होता है ये भी आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से जैसे हम कैच पकड़ते हैं उस तरह से होता है, ठीक है। और इस फिलीफॉर्म एपरेटस जो ये जो सिनर्जिस का, ये खुद ही क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि पोलन ग्रेन्स को, भैया आओ और आप मुझ में इंटर हो जाओ। आफ्टर द इंटरिंग ऑफ पोलन ट्यूब इन वन ऑफ टू सिनर्जिस सेल, दे एब्जॉर्ब देयर ऑल वाटरी कंटेंट, सिनर्जिस सेल का जितना भी वाटरी कंटेंट है ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड दे बिकम्स स्वेल, इसके कारण से ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका टिप ऑफ पोलन ट्यूब है ये स्वेल हो जाएगा। एंड आफ्टर स्वेलिंग दे बस्ट, ये बस्ट हो जाएंगे, बस्ट होने के बाद क्या होगा, दे रिलीज देयर बोथ मेल गैमेट्स इन एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक में क्या कर दिया इसने, दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूं, आफ्टर द रीचिंग ऑफ टिप ऑफ पोलन ट्यूब एट द एम्ब्रायनल एंड, दे आर इंटरिंग वन ऑफ टू सिनर्जिड सेल्स, दे टेक एंड एब्जॉर्ब देयर ऑल वाटरी कंटेंट, दे बिकम स्वेल, आफ्टर स्वेलिंग दे बस्ट, बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा वाल उसका, एंड दे रिलीज टू मेल गैमेट्स इनसाइड ऑफ एम्ब्रायो सैक। तो ये हो गया आपका एंट्री ऑफ मेल गैमेट्स इन एम्ब्रायो सैक, ये एक स्टेप हो गया। देन अब लास्ट स्टेप और फाइनल स्टेप क्या होता है उसे समझिए। देन यहां पे क्या होने वाला है, वन मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद, वन मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद एग सेल, एंड यहां पे देखो जैसे मेल गैमेट्स इंटर हुआ इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, एंड दे बिकम सेकेंडरी न्यूक्लियस, दे बिकम सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो यहां पे देखो ये एग न्यूक्लियस है प्लस मेल गैमेट्स, प्लस मेल गैमेट्स, दोनों का यूनियन हो गया, क्या बनने वाला है, जायगोट बनने वाला है। देखो एक आपका हैप्लॉयड था, मेल गैमेट्स आपका हैप्लॉयड था, अब जायगोट क्या हो गया आपका, डिप्लॉयड हो गया। द प्रोसेस इज कॉल्ड ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना आपको, फ्यूजन ऑफ एग विद मेल हैप्लॉयड, एग विद हैप्लॉयड मेल गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी, या सिंग का मतलब होता है टू और गैमी का मतलब होता है गैमेट्स, यानी दो गैमेट्स का क्या हो गया यहाँ पे, फ्यूजन हो गया, दे बिकम्स जायगोट। देन सेकेंड मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, क्योंकि ये देखो पहले क्या था, आप यहाँ पे था आपका पोलर न्यूक्लियस, prior to fertilization they are polar nucleus, लेकिन at the time of fertilization they are fuses with each other, और ये जो haploid nucleus और ये haploid nucleus था, अब ये क्या हो गया, diploid हो गया, और ये male gametes क्या है, अभी आपका haploid है। यानी कि अगर इसको समझाना रहे तो आप कैसे बताओगे, तो fusion of secondary nucleus क्या है, already diploid है, किसके साथ इसका fusion हो रहा है, मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट्स के साथ, सेकेंड मेल गैमेट्स के साथ क्या हो रहा है, इसका फ्यूजन हो रहा है। तो सेकेंड मेल गैमेट्स क्या है, हैप्लॉयड है, क्या बन जाएगा इसके कारण से, इसके कारण से बन जाएगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दे आर ट्रिप्लॉयड। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन
इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब आपको समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फिर से मैं बता रहा हूं, वन मेल गैमेट स्पीसीज विद एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी। ये भी एक फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूजेस विद, या सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दे आर ट्रिप्लॉयड। Here vegetative fertilization occurs. In this time, two times and two male gametes participate in fertilization. One is the syngamy and another is the vegetative fertilization. And that's why they are called double fertilization. तो अब इसको अगर अच्छे से definition देना रहे तो कैसे लिखोगे? In angiosperm, क्योंकि बाकी में double fertilization होता है क्या? नहीं। In angiosperm, during fertilization, यानी fertilization के time, one male gamete fuses with egg cell to form zygote. And second male gamete fuses with secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. At that time, two times fertilization occurs, and that's why they are called double fertilization. Then आपके book में नहीं रहता, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है triple fusion. In case of vegetative fertilization. Secondary nucleus is fused with male gametes, या फिर male gametes is fused with secondary nucleus. Here three nuclear fusion. पहले तो आपका secondary nucleus fuse हुआ है, दो nucleus दो बन गए, और ये तीसरा nucleus male gametes का है, तीन gametes का fusion हुआ है, तीन nucleus का fusion हुआ है, and that's why they are called triple fusion. तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपका जो लेक्चर का कंसेप्ट था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो आप कमेंट कीजिए। आपको वीडियो में अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, डायग्राम अच्छा लगता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, उसे भी आप बताइए। और फीडबैक की तरह अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है इस लेक्चर से, कुछ भी आपको समस्याएँ आती है, तो उसे भी आप कमेंट जरूर कीजिए।